पद जो है वर्ण सेनापति कवि द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है। इस पूरे पद में कवि ने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का चित्रण मिला करके किया है, इसलिए इस पूरे पद में हमें श्रेष्ठ अलंकार की छटा बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। अब हम इसका ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में अर्थ देखेंगे तो हम देखेंगे कि देखे क्षिति अंबर जले है चार ओर छोर, कि देखो भीषण गर्मी के कारण जो धरती और आकाश है वो चारों ओर से उसका पूरा ओर छोर जल रहा है। तिन तर पर सभी को रूप हरे हुए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि ग्रीष्म के कारण जो घास है पेड़ पौधे है उन सबका जो हरियाली से व्याप्त जो रूप था वो इस ग्रीष्म ऋतु ने खत्म कर दिया या हर लिया है। महाजल नामी जो कि भादर की होती चले है कि जब जंगल में आग के समान यहाँ पर ये जो ग्रीष्म ऋतु की जलन है वो जंगल की आग की भांति होती जा रही है। जलत पवन तन से मानो परि है, और ऐसे लगता है कि मानो पवन भी हवा भी इससे गर्म होकर के हमारे शरीर की सिकाई कर रही है, हमारे शरीर को सेक रही है। दारुण तरमी तरे नदी सुपाए सा, तब धरती के लोग नदी में जाकर नौकाओं में बैठ करके और इस कष्टदायी गर्मी से सुख पाने का प्रयास करते हैं। श्रीघर छाए चाहे कोई चित्त धरे है, और वही लोग जो ठंडे बादलों की छाह के नीचे जाकर के और अपने मन को प्रसन्न करते हैं या मन को रखना चाहते हैं। सेनापति कवि कहते हैं कि देखो मेरी कविता की चतुराई देखो, कि मैंने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का समान रूप से वर्णन किया है। अब कवि इसी पद में वर्षा ऋतु के संदर्भ में हम इस बात देखेंगे जिस प्रकार से वर्णन किया कवि ने उसको देखेंगे कि देखे छिपी अंबर जले है चारों ओर, देखो वर्षा ऋतु के कारण धरती और आकाश के में चारों तरफ जल ही जल व्याप्त हो गया है। तीन तरबर सभी को रूप हरे हुए, कवि कहते हैं कि इस वर्षा ऋतु के कारण घास का वृक्षों का जो रूप है वो हरियाली से व्याप्त हो गया है। महाजल नाली जो कि भादर की होती चली है, वर्षा की जो झड़ी लगी हुई है वो भादवी महीने की वर्षा की झड़ी के समान होती चली गई है। जलत पवन तन से मानो पड़े है, और जो ठंडी हवा के झोंके है वो मानो शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। दारुण तरमी नदी सुफल पावे सभे, अब जो धरती के लोग है वो इस स्थिति में और नौकाओं में बैठकर नदी में जाकर और अपने शरीर पर सुख प्राप्त करते हैं, शरीर में सुख प्राप्त करते हैं, या फिर वो अपने सुख को देखते हैं वहां जाकर के। श्रीघर छाए छाए को चित धरे हुए, कवि कहते हैं कि सारे जो धरती के लोग हैं वो ठंडी बादलों की छा में जाना चाहते हैं, उनका मन वहां पर चले जाने को करता है। सेनापति कवि कहते हैं कि देखो मेरी कविता की चतुराई, कि मैंने इस ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु का समान रूप से चित्रण किया है। इस पूरे पद में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और हरियो परियो इन सब में अनुदास महिला की छटा दृष्टि श्रेष्ठ महिला हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ मानो जो शब्द आया तो मानो जानो जन्म मन जाता है वहां उपेक्षा अलंकार दिखाई पड़ता है।